हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो होने वाला है ना, वो हमारे बिगनर यूट्यूबर्स के लिए होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक बिगनर यूट्यूबर्स के लिए, कि आप अपना वीडियो को जो है वो कैसे एडिट करते हैं, कैसे उस पर आप अपनी चीज़ों को एडिट करके सामने वाले व्यूवर्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। अगर आप नए वीडियो डालते हैं तो अगर कोई व्यूवर्स आपकी वीडियो देखता है तो वो कैसे समझे कि आप अच्छा कंटेंट दे रहे हो, अपने वीडियोज़ को अच्छा क्रिएट कर रहे हो, अपने वीडियोज़ को किस तरीके से क्रिएट कर रहे हो या एडिट कर रहे हो, जिससे वो आपका वीडियो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, जो आपका व्यूवर है वो आपके वीडियोज़ में बना रहे, पूरा वीडियो वॉच करे, स्किप नहीं करे। तो इस चीज़ के लिए ना आपको सबसे पहले तो शुरुआत में चाहिए होता है कि आपके पास जो भी आप ऐप या एप्लीकेशन यूज करो या जो भी सॉफ्टवेयर यूज, वो उसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल होना चाहिए, ताकि आपको वीडियोस एडिट करने में बहुत ही आसानी हो। अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा हाईटेक टाइप का आप एप्लीकेशन यूज करते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट है, बाकी उसमें फीचर्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप नए यूट्यूबर है, आपको खुद भी नहीं पता होता है कि उसको कैसे यूज करना है, और आप एक ऐसा लेवल का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कि चलाने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो उससे आपको एडिटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही फेमस है, आप शायद जानते भी हो, वो यूज करने में बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप उससे वीडियोस को आराम से एडिट कर सकते हैं। आप अगर जैसे कि आपने किसी वीडियो में डालने किसी का आपको फेस ब्लर करना हो या आपका नंबर ब्लर करना हो या कोई भी अपनी डिटेल को ब्लर करना हो, तो वो भी आराम से कर सकते हैं, वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं, कहाँ से कट करना है, कहाँ से क्रॉप करना है, किस तरीके से उसको एडिट करना है, उसमें अगर कोई भी आप फिल्टर डालना चाहते हो तो भी बहुत आसानी से डाल सकते हैं, क्रोमा की कैसे यूज करना है वो भी आप कर सकते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल ऐप है जिसमें आपको आसानी होगी, बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली उसको यूज करने में। तो मैं आपको एक वीडियो को जो है एडिट करके दिखाऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐप जो है इतना सिंपल है और कितनी आसानी से इसको यूज किया जा सकता है। तो मैं आपको देखिए वीडियो एडिट करके दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसको आपको डाउनलोड करना है और बहुत ही सिंपल है वीडियो एडिटर। तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ सकते हैं या न्यू टैब पे आप क्लिक करिए और आपको यहाँ पे सर्च करना है पावर डायरेक्टर प्रो मॉड APK। आपको इसमें फुली प्रीमियम वर्जन अनलॉक मिलेगा, आपको बस यहाँ से डाउनलोड करना है क्रोम ब्राउज़र से, प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करना है, वहाँ वरना वहाँ पे आपका वाटरमार्क आ जाएगा आपके वीडियोस में अगर आप एडिट करते हैं तो। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे वेबसाइट आपको मिल जाएगी apkmodi.io या फिर apkden, दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों वेबसाइट अच्छी हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ apkmodi पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे नीचे लिखा है ये देखिए डाउनलोड, इस डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप फिर नीचे आ जाइए, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पावर डायरेक्टर वर्जन 10.0.2, बस इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आ रहा है योर लिंक इज़ ऑलमोस्ट रेडी, प्लीज़ वेट अ फ्यू सेकंड। तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ गया है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और देखिए यहाँ पे आपको फाइल जो है आपकी डाउनलोड होने लगी है। मैं यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे फाइल जो है डाउनलोड हो रही है, तो मेरी पहले से डाउनलोड है। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखाने, बस मैंने आपको बता ये कैसे आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आइए, पावर डायरेक्टर सर्च करिए, पावर डायरेक्टर सर्च करने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक वीडियो को एडिट करना है तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे लैंडस्केप मोड को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे आप कैमरे पे आ जाइए या कैमरे पे आ जाइए, मैं यहाँ से कोई वीडियो अपना एक ले लेता हूँ। मैंने मान लीजिए अपना एक ये वीडियो ले लिया है, कोई भी एक वीडियो, मैं इसको यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एक वीडियो ले लिया है, उसके बाद अगर मुझे इस वीडियो को देखिए यहाँ से कहीं से भी स्प्लिट करना तो मैं वीडियो को क्लिक कर देता हूँ, बस यहाँ पे आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ से ये देखिए पेंसिल का जो यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए स्प्लिट करने का ऑप्शन है बहुत सिंपल तरीके से। या देखिए आप यहाँ पे स्प्लिट हो गया आपका वीडियो दो पार्ट में, उसके बाद आपको जिधर का ऑप्शन डिलीट करना है वहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे जाके डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इतना करने के बाद अगर आपको वीडियो की वॉइस जो है इसको इंक्रीज़ करना है, जो नॉर्मल वीडियोज़ में वॉइस होती है उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, देखिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखिए आप दिखा रहे हैं 100%, इसको आप यहाँ पे जाके ऐसे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे जो वीडियो की वॉइस है ना वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है, आप सुन सकते हैं यहाँ से जाके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके वीडियो की जो वॉइस है ना उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये करने के बाद आपको क्या करना है,
और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो मिक्सिंग कर सकते हैं, फिर यहाँ पे फ़िल्टर देख सकते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं जिस तरीके का आपको फ़िल्टर चाहिए वीडियो में, देख सकते हैं मैंने फ़िल्टर लगा दिया, देखिए फ़िल्टर चेंज भी हो रहा है। तो आप अपने वीडियोज़ में फ़िल्टर भी लगा सकते हैं जो भी फ़िल्टर का आपको यूज़ करना हो। तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, बहुत ही सिंपली तरीके से आप यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अभी जो स्किन है आप स्किन को भी स्मूथ कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो अपनी स्किन है इसको स्मूथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। उसके बाद ये करने के बाद आप यहाँ पर इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी चीज़ को ब्लर करना है, जैसे मुझे यहाँ पे अपना फेस ब्लर करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया लेयर पे, उसके बाद लेयर पे आता है इफ़ेक्ट का ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे इफ़ेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर आपने क्लिक किया, यहाँ पे ब्लर आ गया। आपने यहाँ पे ब्लर पे जाके प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद यहाँ पे जाके आप यहाँ पे सेट कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने जाके इसको सेट कर दिया। अब जहाँ तक इसको ड्रैग कर देंगे, जितना बड़ा कर देंगे वहाँ तक ही आप देख सकते हैं वीडियो का जो फेस है ना, इस तरीके से आपको कोई डिटेल या किसी नंबर पे या किसी चीज़ को ऐसे ब्लर करना है तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे ब्लर कर सकते हैं। और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसका साइज जो है वो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो काफ़ी आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं आसानी से, जिस तरीके से आपको करना हो। और इसको आप आराम से डिलीट भी कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से लेयर पे आ जाइए, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, जो आपको स्टिकर्स चाहिए आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे स्टिकर्स हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी हैं, डेकोरेशन के स्टिकर्स हैं, सोशल मीडिया के स्टिकर्स हैं, आप यहाँ पे सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से सब्सक्राइब बटन भी लगा सकते हैं, लाइक्स का, लाइक का भी वीडियो का बटन लगा सकते हैं, चेकआउट का लगा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लव, यहाँ लव के स्टिकर्स भी हैं, यहाँ पे हॉलीडेज के स्टिकर्स भी हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला ऐसा ऐप है जो इसको आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसमें क्रोमा की का भी ऑप्शन देता है, यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोमा की का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्रॉप हो गया, फ्लिप, फ्रीज, डुप्लीकेट, रिवर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद क्रोमा की के लिए पहले आपको लगाना पड़ेगा अपने बैकग्राउंड में, क्रोमा की के लिए आपको जो ग्रीन स्क्रीन वाला होता है इफेक्ट वो लाना पड़ेगा। उसके बाद जब उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अपने आप आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल ऐप है। और यहाँ से अगर आप वीडियो जब प्रोड्यूस करेंगे या वीडियो को एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका वाटरमार्क भी नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई वाटरमार्क नहीं, आपको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली अपने वीडियो को एडिट करके आराम से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको देखिए एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ये, यहाँ पे गए प्रोड्यूशन शेयर, यहाँ पे आ गए, आप अल्ट्रा 4K में भी कर सकते हैं, 1080p में भी कर सकते हैं, 720p में करते हैं। तो सबसे आपका अच्छा ऑप्शन जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा 1080p में। बस यहाँ पे जाके आप यहाँ से प्रोड्यूस कर दीजिए, देखिए यहाँ पे आपका वीडियो जो है प्रोड्यूस होने लगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों के लिए इतने अच्छे वीडियो लाते रहते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी वीडियोस की क्वालिटी और इंप्रूवमेंट हो पाएगी, और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा कि हमारे व्यूअर्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।